पर आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल, मैं हूं आपके साथ प्रीति। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्य और शनि ग्रह को पिता पुत्र माना जाता है। सूर्य को यश, मान सम्मान, समृद्धि दिलाने वाले देव और शनि देव को कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। ये दोनों ग्रह अगले साल 13 फरवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में एक साथ दोनों प्रवेश करने जा रहे हैं। इस तरह कुंभ राशि में दोनों ग्रह के एक साथ विद्यमान होने का संयोग 1993 में बना था। अब लगभग 30 साल बाद पिता सूर्य और पुत्र शनि ग्रह एक साथ कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। इससे अनेक राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। खासकर वृष, मिथुन, कन्या, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए खास रहेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में 13 फरवरी से 14 मार्च तक रहने वाले हैं। कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। अगले साल कुंभ राशि में विद्यमान होकर शनिदेव 6 राशि कन्या, मकर, धनु, कुंभ, वृष, मिथुन राशि के जातकों को समृद्धि प्रदान करेंगे। राशि के जातकों को न्यायकालीन प्रकरणों का समाधान करना होगा। फिलहाल शनिदेव मकर राशि में और मिथुन तुला राशि के जातकों पर ढैया चल रही है। दूसरी ओर मकर, कुंभ, धनु राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव है। शनि जब अगले साल 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब तुला मिथुन राशि से ढैया समाप्त हो जाएगी। साथ ही धनु राशि के जातकों को 7.5 के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। कर्क वृश्चिक राशि पे ढैया अगले साल 17 जनवरी 2023 से कर्क और वृश्चिक राशि वालों पे ढैया का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण में रहेगी। कुंभ राशि पर 7.5 का प्रभाव बीच वाले चरण में होगा। मीन राशि पर 7.5 की शुरुआत होगी। आइए जानते हैं आप शनिदेव को किससे खुश कर सकते हैं। ओम हम हनुमंते नमः का जाप करें, पीपल पर जल अर्पित करके पितरों को याद करें। शनिवार को निर्धनों की सहायता करके शनि प्रतिमा पर तेल अर्पित कर सकते हैं। राजा दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करें।